इतनी जल्दी तुमने लिख लिया? यस मिस। सारे क्वेश्चन का आंसर लिखा ना? हाँ लिख दिया। ओके यू कैन गो। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? मेरा जूता नाले में गिर के फंस गया है। भैया स्कूल जाने के लिए वेट कर रहे होंगे। रुको बेटा, मैं देखता हूँ। हाँ बेटी, अंदर ही फंसा हुआ है। ठीक है, तुम रो मत, मैं निकाल कर देता हूँ। देखो उधर जा रहा है, जाओ बेटी। भागो बेटी। एडबा, वो जूता निकाल कर देना। हाँ ठीक है भाई। सारा जल्दी से आओ, तेज भाग के आओ ना। कहाँ चली गई थी, ना लेट क्यों हो गया? जूता गीला कैसे हो गया? आज के बाद मैं ये जूता पहन के नहीं जाऊंगी। ये गीला कैसे हुआ, पहले ये बताओ। नाले में गिर गया था। अभी गीला हो गया तो मैं इसको कैसे पहन के जाऊंगा? तुम्हारा जूता बहुत बड़ा है। जब मैं दौड़ के आ रही थी तो मेरे पैर से निकल के नाले में गिर गया। इसमें मैं क्या करती? तुम झूठ बोल रही हो ना। गलती आपकी है, मेरे जूते को आपने घुमा दिया। अब आप मेरे जूते को कैसे ला कर दो, वरना मैं पापा को सब बता दूंगी। जाके बता दो, पापा हम दोनों को पकड़ के मारेंगे। पहले ही हम बहुत मार खा चुके हैं। जाओ जाके बोल दो, पापा के पास नया जूता खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जाओ ना जाके बोल दो। पापा को बताओगी तो क्या होगा, तुम अच्छे से जानती हो, इसलिए सोच लो। गेट डाउन। इतना लेट क्यों आए? सर घर बहुत दूर है। आते समय रास्ते में खेल रहे थे क्या? नहीं सर। कल भी देखा तुम लेट आए थे। नेक्स्ट टाइम अगर लेट आए तो बाहर निकाल दूंगा। ठीक है सर। तुम्हारे शूज गीले क्यों है? आते समय नाले में गिर गया था सर। लेकिन तुम्हारा पैंट नहीं भीगा? नाले में गहराई कम थी सर। सॉक्स भी गीले नहीं है, झूठ बोल रहे हो क्या तुम? नहीं सर। आज के बाद लेट मत आना, वरना मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लास में जाओ। थैंक यू सर। भगवान सबका भला करें, भगवान सबका भला करें, भगवान सबका भला करें। एक्सक्यूज मी सर। सर अक्का कुर्बी फिर से लेट आया है सर। साइलेंट। मैं कमिन सर। कमिन। थैंक यू सर। लिसन, अक्का कुर्बी कोई हंसने की बात नहीं है, वो दो बहनों की प्यार की कहानी है। कावेरी डेल्टा एरिया में ये बहुत पहले घटित हुई एक कहानी है। आषाढ़ के महीने में कावेरी नदी में पानी भर जाता है। जब उस नदी में पानी भर गया तो दो बहनें वहाँ नहाने के लिए गई थी। अचानक नदी में बाढ़ आ जाती है और बड़ी बहन को बाढ़ बहा कर ले जाती है। छोटी बहन
दीदी दीदी बोलकर अपनी बहन को ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिली। फिर अगले जन्म में वो छोटी बहन चिड़िया के रूप में जन्म लेकर हर एक साल आषाढ़ के महीने में जब कावेरी नदी भर जाती है तब चिड़िया के रूप में अपनी दीदी को आवाज लगाती है। कहा जाता है वो अपनी बहन को आज भी ढूंढ रही है और पंछी बनके अपनी बहन को पुकारती है। वैसे तो ये कई सालों पहले की कहानी है। दोनों बहनों में जो प्यार था वो प्यार हर पीढ़ी के लिए एक एग्जांपल है। इट्स अ गुड स्टोरी। डियर स्टूडेंट्स, विटम एग्जाम में किसने कितने मार्क्स लाए हैं सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले टॉप 3 आए हुए स्टूडेंट्स का नाम बताने वाला हूं, ठीक है? थर्ड पोजीशन श्री उदया 95, सेकंड पोजीशन रितीश 97 और फर्स्ट पोजीशन देवा। हर बार की तरह इस बार भी देवा ही फर्स्ट है, 99 मार्क्स। फॉर यू। थैंक यू सर। फॉर यू। थैंक यू सर। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सर। गुड। देवा की तरह सभी बच्चों को मन लगाकर पढ़ना है। ज्यादा पढ़ेगा ना तो आंखों से अंधा हो जाएगा। चल जा। साइलेंस। सारा 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 रुक जाओ। सारा, ये बर्तन लेके कहाँ जा रही हो? दादी ने मिठाई दी थी, उन्हीं का बर्तन लौटाने जा रही हूँ। अब तक तेरा गुस्सा कम नहीं हुआ क्या? चलना जल्दी से। उसको लेकर जाओ ना। अच्छा है ना? लो तुम ही रख लो। किसका है? मैं फर्स्ट आया था ना, इसलिए सर ने दिया। अच्छी चलती है, लो रख लो। थैंक्स भैया, मम्मी पापा को जूते के बारे में नहीं बताया। तुम नहीं बताओगी? मैं जानता था, क्योंकि तुम मेरी बहन जो हो। बर्तन दे करके जल्दी आओ। कादल कुमलई का गाना सुना क्या तुमने? हाँ, कल मैंने रेडियो में सुना था, अच्छा था। पुम्बार के लिए गाड़ी, पुम्बार के लिए गाड़ी, पुम्बार के लिए अभी कोई बस नहीं आएगी। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हाँ यार, मैंने भी सुना, वो बस किसी और रास्ते से जा रही है। जीप से ही चले क्या? कैकटी स्टॉप आ गया। चल यार, कल मिलते हैं। बाय। ये क्या बीच में आ जाता है? गुड इवनिंग टीचर। क्या गुड इवनिंग? ऐसे आवारा गर्दी करने से अच्छा है पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे इंसान बनो। दर्द हो रहा है टीचर। ट्यूशन आओ, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। हड्डी पसली तोड़ती। तुमने तो दिल ही तोड़ दिया मेरा।